और इसी क्रम में मुझे याद आ रहा है, उर्दू और हिंदी के निकट संबंधों की बात हो रही थी। कहा गया कि उर्दू और हिंदी में दामन चोली का संबंध है। उर्दू में मीर हुए, हिंदी में मीरा। उर्दू में जोश हुए और हिंदी में जोशी। उनसे आग्रह कर रहा हूं मैं कि वे आए और अपनी रचना देने के बाद हैं श्री शरद जोशी। मित्रों, पिछले दिनों एक घटना हुई कि राजकुमार चार्ल्स यहाँ आए और पद्मिनी कोल्हापुरे का चुंबन लेके चले गए। जिस दिन ये घटना मैंने अखबारों में पढ़ी, मैंने सोचा कि अंग्रेजों को भारत निकालने से फायदा क्या हुआ, वो तो वापस यहाँ आकर के वही काम कर सकते हैं। खैर, उस दिन मैंने रचना लिखी, उसको मिली कोल्हापुरे, हमको मिली कोल्हापुरी। उसको मिली कोल्हापुरे, हमको मिली कोल्हापुरी, ये शीर्षक है इस रचना का। प्रिंस ऑफ वेल्स आए और पद्मिनी कोल्हापुरे का चुंबन हासिल कर घर वापस लौट गए। जिनकी जिंदगी बंबई में गुजर गई, जो हमेशा राजकमल स्टूडियो आते जाते रहे, उन्हें नहीं मिला जीवन में एक कोल्हापुरी चुंबन। जब भी प्रयत्न किया, कोल्हापुरी चप्पल मिली। कुछ लोग नसीब लिखाकर भारत आते हैं और चुंबन कमाकर विदेश लौट जाते हैं। कुछ लोग भारत में जन्म लेते हैं मगर नसीब लिखवाना भूल जाते हैं। सारी जवानी कोल्हापुरी घिस से गुजर जाती है, किसी कोल्हापुरे का चुंबन नहीं मिलता। हमारे लिए कोई शांताराम ऑर्डर देने को खाली नहीं है कि ले ले पद्मिनी, एक चुंबन इसका भी ले ले। हमारे लिए कोई शांताराम ऑर्डर देने को खाली नहीं है कि ले ले पद्मिनी, एक चुंबन इसका भी ले ले, ये भी पहली बार राजकमल स्टूडियो आया। मैं जब भी राजकमल स्टूडियो गया, पद्मिनी कोल्हापुरे वहां नहीं थी। होती तो पूछता कि आप ले रही हैं या मैं लूं। होती तो पूछता कि आप ले रही हैं या मैं लूं। यह सच है कि चार से मेरी उम्र ज्यादा है मगर शांताराम जी से कम है। मुझे पद्मिनी कोल्हापुरे की एक बात बहुत अच्छी लगी। उससे किसी ने पूछा, तुमने चार्ल्स का चुंबन क्यों लिया? उसने जवाब में कहा, मुझसे कहा गया था कि चुंबन ले लेना। कितनी अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत इससे प्रबल कारण चुंबन का दूसरा नहीं हो सकता कि मुझसे कहा था कि चुंब लेना। एक जमाना था हमारे देश में प्रेमिकाएं घर से पूछे बगैर बगीचे में चुंबन नहीं देती थी। एक जमाना था हमारे देश में प्रेमिकाएं घर से पूछे बगैर बगीचे में चुंबन नहीं देती थी। गुड गर्ल, आज्ञाकारिणी। काश मैं प्रोड्यूसर होता तो इसी बात पर जितेंद्र के साथ साइन कर लेता। कॉन्ट्रैक्ट में एक ही शर्त रखता, मेरे अलावा किसी और को मत चुंबना। सारी जिंदगी बीत गई, दो परस्पर चूमने वालों के बीच हमारी भूमिका अक्सर विलेन की रही है। जितने अड़ंगे हम डाल सकते थे हमने डाले, डले कुछ नहीं हुआ, मगर भांजी मारना हमारा फर्ज था। अगर हमें पता होता कि पद्मिनी कोल्हापुरे चार्ल्स का चुम्बन लेने वाली है, तो हम भारत और इंग्लैंड के संबंध बिगड़वाने से नहीं चूकते। वाह वाह वाह, हमें इस शौक से उभरने में बहुत दिन लगे। तुम किस्मत वाले हो चार्ल्स, हमारी राह में कितने सेंसर बोर्ड अटके हैं इतनी सी बात पर। अब धीरे धीरे मन को समझा लिया है। मुकद्दर का सिकंदर भी लंदन लौट गया, जो हुआ सो हुआ। सवाल यह है कि तुम तो भारत में हो, सवाल
सवाल यह है कि तुम तो भारत में हो, क्या तो कर लिया और क्या कर लोगे? कोल्हापुरे ने अपने बयान में कहा कि यह मेरा पहला चुंबन था। इस विषय में विद्वानों और जानकारों में मतभेद हो सकता है। कि यह पहला था या नहीं था, और अगर मान भी लें कि यह पहला था, तो हम पद्मिनी कोल्हापुरे से पूछना चाहेंगे कि क्या तुम भविष्य में अपने चुंबनों का यही स्तर रखोगी? चार से कम लेवल के लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध हो सकेगी या नहीं? यह मत भूलो पद्मिनी कि चाहे भारत गरीबों का देश है, मगर समाजवाद की तरफ बढ़ रहा है। लायबिलिटीज से बचते हुए एसेट्स का वितरण करने का, जिसमें तुम्हारा चुम्बन भी शामिल है, हमारा पक्का इरादा है। इस ऊंचे आर्थिक दर्शन को तुम न भी समझो, तुम्हें एक लोक कथा सुनाता हूं। हमारे भारत में यही रिवाज रहा है कि जब कोई बात यूं न समझ में आए तो कथा सुनो। सो सुनो, हे पद्मने, हे पद्मने, किसी काल में आखेट से लौटते हुए एक राजा का पुत्र मार भूल गया। उसने खेत में काम करती एक कन्या से पूछा कि राजधानी का रास्ता कौन सा है। इस पर कन्या ने उंगली उठाकर बता दिया कि नाक की सीध में चले जाओ। तब हे कोल्हापुरे, सहज जिज्ञासावश खेत में खड़ी उस सुंदरी ने राजपुत्र से प्रश्न किया, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और आदत का मारा शिकार खेलने आया हूं। शिकार तो मिला नहीं, अब घर लौटकर पोलो खेलूंगा। इतना कहकर हे चास चुंबिता, राजकुमार तो राजधानी चला गया, और हम यह मान ले कि वह वहां पहुंच भी गया होगा। मगर तभी खेत से सटे उस गांव में एक विचित्र घटना घटी कि किसान की लड़की ने बोलना बंद कर दिया। वाह, वह गूंगी हो गई पद्मने, वह गूंगी हो गई पद्मने, छेड़ने पर गालियां तक नहीं बकती। खबर गांव में फैली, तहसील से जिले तक फैली कि किसान की एक लड़की बोलकर नहीं दे रही। जैसा कि होता है, ऐसे संकट के क्षणों में एक साधु वहां से गुजरा। गांव के लोगों ने साधु के सामने समस्या रखी कि महाराज, खेतों में काम करने वाली एक कन्या बोल नहीं रही, कल से रेप हो गया तो पत्रकारों को बयान कैसे देगी? सो है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में लगभग असमग्र जीवक जीना तमान की बाल रूपिणी। सो है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में लगभग अर्धनग्न जीना तमान की बाल रूपिणी। साधु ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उस हरित क्रांति में भिड़ी कन्या से पूछा, क्यों भाव खा रही हो बालिके, बोलती क्यों नहीं? क्यों भाव खा रही हो बालिके, बोलती क्यों नहीं? जानती हो कोल्हापुर वासिनी? तो उस किसान दुहिता ने क्या उत्तर दिया? बोली कि जिस मुंह से मैंने इस राज के राजकुमार से बातें की, उस मुंह का स्तर गिरा, इन घाटी गांव वालों से क्या बातें करूं। आज यही प्रश्न तेरे सामने है, ओ शांताराम की आज्ञाकारिणी, कि जिन होठों से चांद को चूमा, उससे इस निगोड़े लेखक को क्या चूमूं? इस मामले में मैं तुझसे असहमत हूं। चांद तो राजकुमार है, मैं तो बादशाह हूं। और अगर मान भी लें कि वह तुम्हारा पहला चुम्बन था, तो मेरा सुझाव है कि यह अंतिम नहीं होना चाहिए। वाह 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 वाह, तो मेरा सुझाव है कि यह अंतिम नहीं होना चाहिए। श्री गणेश अच्छा हुआ है, श्री गणेश अच्छा हुआ है, और अब हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, जिसे तुम्हें दिन रात लगन से निभाना है। शांताराम जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मौका दो तो मेरा भी हो सकता है। यदि सहयोग करो तो मैं चांद के छोड़े अधूरे कामों को पूरा करना चाहता हूं।
मुंह जरूर चांद की तरह टेढ़ा है मगर मन में निराशा नहीं है। काफी बल्ले बल्ले टाइप का पंजाबी उत्साह रहा है इन मामलों में। इतनी उम्र में मुराद जी राजनीति से निराश नहीं हुए तो मैं चुम्बन से क्यों। इसी सिलसिले में पिछले दिनों एक हादसा हुआ जिसका जिक्र करना अप्रासंगिक न होगा। हुआ यह कि एक सज्जन बोले कि आप पद्मिनी ने कोल्हापुरे को चास का मुंह चूमने को खड़ा कर दिया, दूसरी कोई सुंदर लड़की नहीं मिली। सुनकर मुझे तेश आ गया और मैंने उसका गला पकड़ते हुए कहा, तुम कोल्हापुर की सुंदरियों को समझते क्या, वहां जैसी लड़कियां पूरे भारत में नहीं। वह शख्स घबरा गया और माफी मांगने लगा, वो समझा मैं कोल्हापुर का हूं। वो समझा मैं कोल्हापुर का हूं और अपने शहर की मां बहनों के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं। मैंने आज तक कोल्हापुर नहीं देखा मगर सिर्फ तेरे कारण पद्मिनी मैं उस शहर की शान में खड़ा हो गया। याद है एक दिन पूरे देश में गा गा कर एक सवाल तूने उठाया था कि यशोमती मैया से पूछे नंदलाला कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। आज वही सांस्कृतिक प्रश्न लौट कर तेरी तरफ आया है कि चास क्यों गोरा और तू क्यों काली। आज वही सांस्कृतिक प्रश्न लौट कर तेरी तरफ आया है कि चास क्यों गोरा और तू क्यों काली। और वो जो भी हो मैंने क्या बिगाड़ा है। और वो जो भी हो मैंने क्या बिगाड़ा है। चुम्बन की नाजुक स्थितियों में मैं काले गोरे के भेदभाव से सदैव ऊपर रहा हूं पद्मिनी। फिर चाहे वह कोल्हापुर हो या इस देश का कोई भी शहर हो,